So now, I once again welcome all of you. And firstly, we have Mr. Pradeepto Sen Gupta ji, who will demonstrate on the techniques of playing mandolin. Welcome, Mr. Pradeepto Sen Gupta ji. Good morning, everyone. Good morning. So, see, we don't have that much of time because everybody has to perform. So, I'll explain some main tricks right now. Main thing is what Rajniji said. Main thing is you have to practice. Ek din mein ek workshop attend karke koi mandolin player nahi ban sakte. It is not possible. It is very simple. And there is no shortcut in music. आप अगर सोचेंगे मैं शॉर्टकट में मैं आर्टिस्ट बन जाऊंगा, मैंडलिन बजाऊंगा, ये प्रोग्राम में बजाऊंगा, इतना ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल. कोई भी एक म्यूजिशियन बनता है तो उसके पीछे बहुत उसका प्रैक्टिस रहता है, बहुत मेहनत रहता है. दैट यू हैव टू डू, देन ओनली यू कैन प्ले गुड. अदरवाइज नो अदर वे. यू हैव टू प्रैक्टिस, यू विल गेट रिजल्ट. इफ यू डोंट प्रैक्टिस, यू विल नॉट गेट रिजल्ट. इट्स वेरी सिंपल. सो दो तीन चीज मैं आज क्लियर कर रहा हूँ कि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम है, क्योंकि इतने लोग परफॉर्म करेंगे. वी हैव टू फिनिश इट बाय 1 o'clock और बिफोर दैट, सो दैट एवरीबॉडी कैन परफॉर्म. क्योंकि हॉल का भी टाइमिंग आई थिंक ज्यादा नहीं है, 5:30, 6 o'clock के अंदर खत्म करना है. सो फर्स्ट थिंग, होल्डिंग अ ब्रेक टाइम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. काफी लोगों का ब्रेक टाइम होल्डिंग की वजह से काफी लोग अच्छा बजाते नहीं. मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, प्लेक्ट्रम होल्डिंग के ऊपर सब लोग ध्यान देना. दिस इज द वे वी हैव टू होल्ड द प्लेक्ट्रम. ये अगर नहीं करेंगे, कुछ लोग ऐसे बजाता है, कुछ लोग ऐसे बजाता है, कुछ लोग ऐसे बजाता है, कोई भी अपनी हिसाब से प्लेक्ट्रम होल्ड करते, उसमें नहीं होगा. प्लेक्ट्रम होल्डिंग शुड बी दिस. ये फिंगर को ऐसा बेंड करके, कोई कोई पिंकी को सपोर्ट लेता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. बट द होल्डिंग ऑफ प्लेक्ट्रम इज शुड बी दिस, नंबर वन. नंबर टू, प्लकिंग स्टाइल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस, जो एक चीज मैं आज प्रैक्टिस बता रहा हूं, ये एवरीडे प्रैक्टिस मैं आज भी करता हूं. 40 साल हो गया मेरा प्रैक्टिस करते करते, आज भी प्रैक्टिस करता हूं. दैट इज इन साइड प्लकिंग इन बोथ इन साइड स्ट्रिंग्स. आई विल शो यू. बिफोर गोइंग अहेड, सब लोग अपना मैंडलिन ट्यूनिंग कर लीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको सबको एक एक करके नोट देता हूं. जिसको ईएडीजी करना है, ईएडीजी करे. जिसको जीडीएडी करना है, वो करे, नो प्रॉब्लम. फर्स्ट नोट जो है मैंडलिन ट्यूनिंग का जो सिस्टम होता है, एक बात ध्यान रखना, कोई हैफजर ट्यूनिंग का नहीं करना. फर्स्ट नोट शुड बी, फर्स्ट स्ट्रिंग शुड बी ए स्ट्रिंग. सेकेंड स्ट्रिंग को पहले ट्यून करना, दैट इज 440 हर्ट्ज जो है अपना, वो फ्रिक्वेंसी को पहले ट्यून करना. ए नोट, आई एम गिविंग ए नोट, सो एवरीबडी ट्यून योर सेकेंड स्ट्रिंग. ओके, ओके. नाउ नेक्स्ट आई विल गो फॉर जी, फोर्थ स्ट्रिंग. हेलो हेलो हेलो, आ रहे? ओके, राइट, जी ओके. देन फाइनली ई. कोई कोई फर्स्ट स्ट्रिंग डी करते हैं तो डी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नाउ विल गो अहेड. ओके, ट्यूनिंग के ऊपर ध्यान ज्यादा क्यों देना पड़ता, व्हाई? बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. कल एक मैं गाना बजाया था रात के हम सफर, फॉर एग्जांपल. वो अगर ट्यूनिंग सही नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा, और ट्यूनिंग अच्छा रहेगा तो कैसा होगा. दोनों ही मैं बजा के सुना रहा हूं. ये ट्यूनिंग अगर सही रहेगा तो आप सुनने को इतना अच्छा लगेगा. Now I'll play this thing. तो कौन सा अच्छा लग रहा था, पहला वाला? मुझे तो ये वाला अच्छा लगा ज्यादा. सो नाउ द ट्यूनिंग सिस्टम, पहले एक तार मिलाओ. ये डी करेक्ट है, ये मेरा कम है, तो दोनों को मिलाना कैसे?
ये अभी करेक्ट है. दिस इज द वे वी हैव टू ट्यून द मैंडेट. सेम दोनों का करेक्ट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, क्योंकि मैंडलिन में अगर जोरी बराबर नहीं मिलेगा तो बेसुरा बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, सामने वालों को अच्छा नहीं लगेगा. वेरी स्ट्रेट वे ये मैं बता रहा हूं. सो ट्यूनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड और एक चीज अपने यहां कभी कभी होता है, मैंडलिन का फ्रेटबोर्ड जो है ना, मैंडलिन का फ्रेटबोर्ड अगर करेक्ट नहीं, मेरा थोड़ा मैंडलिन का वॉल्यूम लेवल कम करना थोड़ा सा. मैंडलिन का अगर स्केल लेंथ मींस जो फ्रेट का जो करेक्ट प्लेसमेंट, किसी किसी मैंडलिन बेंड हो जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम फॉर द क्लाइमेट, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है, बट यू हैव टू रिपेयर योर इंस्ट्रूमेंट. अगर इंस्ट्रूमेंट को बजाना है अच्छी तरह से, इंस्ट्रूमेंट को प्यार करना है, इंस्ट्रूमेंट को अच्छा रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रॉब्लम हो ही सकता है, इसमें क्रैक आ सकता है टेम्परेचर की वजह से, देयर मे बी अ सम अदर प्रॉब्लम हो सकता है, बट उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है. अगर अच्छा इंस्ट्रूमेंट ट्यून जितना अच्छा बोलेगा उतना अच्छा परफॉर्म होगा, नंबर वन. अभी जो प्लेक्ट्रम का टेक्निक मैं जो बोल रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनसाइड प्लकिंग ये डेली एटलीस्ट हाफ एन आवर तो करना ही सब लोग. इसमें कितना इंप्रूवमेंट होगा वो आप बजाते बजाते ही पता चलेगा. एक दो मेरा जो भी थोड़ा बहुत मैं शेयर करता हूँ मेरा प्लेइंग, उन लोग को भी काफी फर्क पड़ रहा है. ऐसा नहीं तो आप लोग भी इसको कीजिए, आपको फर्क आएगा. वो है दोनों तरह के इनसाइड प्रैक्टिस. फॉर एग्जाम्पल ई एंड डी में कैसे हो सकते हैं, ई में एक डाउन स्ट्रोक, ए में एक अप स्ट्रोक. ई में एक डाउन स्ट्रोक, ए में एक अप स्ट्रोक. आई विल प्ले दिस थिंग. इन ई में मैं डाउन स्ट्रोक करो एंड ए में अप स्ट्रोक करो. सब लोग एक बार बजाना ये चीज, ई में डाउन ए में अप, मेरे साथ पहले ई देन ए, 1 2 3 4 स्लो नॉट फास्ट, ग्रेजुअली इसको बढ़ाना. ये जितना हो सके फास्ट प्रैक्टिस करना, ये बहुत हेल्पफुल होता है. सेम थिंग अभी ऑपोजिट करेंगे, आउटसाइड. दिस इज इनसाइड प्लकिंग. आउटसाइड प्लकिंग क्या है, ए में डाउन स्ट्रोक, ई में अप स्ट्रोक. स्टार्ट विथ ए नोट, ए स्ट्रिंग. जितना हो सके प्रैक्टिस करना, ये दो चीज डेली प्रैक्टिस का है. नॉट ओनली ई एंड डी, हर तार में स्ट्रिंग में ही प्रैक्टिस करना, इन एवरी स्ट्रिंग, डी और ए, मे बी जी और डी. अगर 6 months इफ यू प्रैक्टिस दिस थिंग डेली हाफ एन आवर, आफ्टर 6 months यू कैन फॉलो कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है. ये टेक्निक, दिस इज वन टेक्निक. वन मोर टेक्निक आई एम टेलिंग यू, राइट हैंड का ही है. जो कभी भी गाना सोलो बजाना है या सोलो परफॉर्म करना है, दैट टेक्निक विल हेल्प यू. वो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं एक नोट पे देखा रहा हूं, एवरी नोट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग. अभी डी में आई एम डूइंग दिस थिंग. What is that? Down, up, up. Down, up, down, down, up, down, down. Down, up, down, down, up, down, down. Down, up, down, down, up, down. Down, up, down, down, up, down. Yes. Yes.
ये कितना फास्ट होना चाहिए देखिए, तो डाउन अप डाउन, ये इतना फास्ट जल्दी नहीं आएगा, ट्राई करने से आएगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। डाउन अप डाउन डाउन, अब इसमें एक झोल है, एक वजन है। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ में मैं वजन दे रहा हूं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू। इसको कोई ऐसा नहीं बजाना, कुछ भी नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे। डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन डाउन। So, ये जितना हो सके फास्ट प्रैक्टिस करना, बट इट शुड बी वेरी क्लियर। ये टेम्पो तक लेना है, इससे आगे ले सकेंगे तो मैं तो, मेरे से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे ऊपर जाना है तो उसका टेक्निक फिर चेंज हो जाता है। कैसा, अभी इससे फास्ट कर, ये फास्ट करना तो उसका डाउन अप का कंटिन्यू करना पड़ेगा। वो टेक्निक अलग है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसमें क्या झोल का जो है ना, इसमें जैसे पहले क्या कर रहा था, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, अभी इसमें डाउन अप अप। वन टू थ्री, वन टू थ्री, अभी टू को मैं अप कर रहा हूं। पहले एक्सरसाइज में क्या था, टू को डाउन कर रहा था। वन टू थ्री, वन टू थ्री, डाउन 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 डाउन। अभी सेकेंड में क्या करो, वन टू थ्री, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन, डाउन अप डाउन। ये दो डिफरेंट टेक्निक है, दोनों टेक्निक को अगर ग्रिफ में ले सकते तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। राइट हैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैंडोलिन। स्केल प्रैक्टिस करना, मैं उस बात भी बोलना नहीं चाहता, बिकॉज स्केल प्रैक्टिस सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जैसा है। मॉर्निंग में अगर ब्रश करना है, ब्रश करके ब्रेकफास्ट करना है, तो स्केल प्रैक्टिस डेली करना है, इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। बट ये जो टेक्निक है, राइट हैंड टेक्निक, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो काफी लोग मुझे पूछते, दादा बजाना, जब हम गाना बजाने के लिए जाते हैं तो अच्छा बजता नहीं, क्यों? उसका मेन रीजन है राइट हैंड। अगर राइट हैंड आपका स्ट्रांग है, इफ यू राइट हैंड इज स्ट्रांग, देन डेफिनेटली यू कैन प्ले एनीथिंग। राइट हैंड स्ट्रांग के लिए ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रेमेलो। एंड ट्रेमेलो में एक्सप्रेशन, जो भी कल मैंने बजाया थोड़ा बहुत ट्रेमेलो के ऊपर, एक्सप्रेशन के साथ बजाया, दैट यू हैव टू प्रैक्टिस एक्सप्रेशन। हाउ, फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेमेलो हम लोग खाली एक ही नोट पे इतना लाउड कर सकते हैं, लेकिन उसको दैट इज डायनेमिक्स, फेड इन फेड आउट। ये सब चीज सब आपको पता है, लेकिन खाली मेन थिंग है इसको इंप्लीमेंटेशन करना और प्रैक्टिस करना। ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रैक्टिस करते करते ही होंगे। तो ये तीन चार चीज मैं जो आज शेयर करूंगा, ये तीन चार चीज प्रैक्टिस कीजिए। और आज एक स्केल के बारे में थोड़ा सा मैं
बतारोग स्केल तो सबको सब कुछ मालूम है, जिसको जितना मालूम है 12 स्केल है और उसके ऊपर माइनर स्केल भी है। माइनर स्केल के बारे में एक चीज मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन स्केल प्रैक्टिस कैसे करेंगे हम लोग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। खाली सारे गमा बजाना है अभी भी बोर लगता है, तो स्केल प्रैक्टिस के साथ साथ उसमें वेराइटी थोड़ा सा वेरिएशन भी करेंगे तो अच्छा लगेगा। उसमें एक तो प्रैक्टिस सारे गमा बजाना, ये तो है जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द जी स्केल। जी में सारे गमा बजाने से ऐसा ये रेगुलर प्रैक्टिस, लेकिन उसमें राइट हैंड का एक प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद मैं लास्ट टाइम बोला था क्या मालूम नहीं। सिंगल स्ट्रोक, डबल स्ट्रोक, तीन स्ट्रोक, चार, ऐसे करके स्ट्रोक स्टाइल, स्ट्रोक इंप्रूव करना। कैसे? नाउ ओनली सिंगल सिंगल स्ट्रोक, सारे गा मा पा, ऑल डाउन अप, टू सा सा रे रे गा गा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, नाउ थ्री, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। तो अभी डाउन अप डाउन, नेक्स्ट अप डाउन अप, नेक्स्ट डाउन अप डाउन, देन अप डाउन अप, फोर, फाइव, इसे फाइव सिक्स सेवन तक प्रैक्टिस करना। ये रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, ये जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको गाना बजाना है वो सब तो है ही, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज यही है। यू शुड प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग डेली डेली, अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक इंप्रूवमेंट होगा। और एक जो चीज है दैट इज अर्पीजियो, अर्पीजियो प्रैक्टिस करना भी बहुत चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, एक जो जंपिंग होता है वो जंपिंग प्रैक्टिस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। जैसे जी मेजर स्केल, जी, देन ए, ओके सी, जितना हो सके ये आरपीजियो प्रैक्टिस करना, सी जी ए डी, जो जो जिस डी, आरपीजियो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आरपीजियो के बारे में अभी इतना दूर से मैं बता नहीं सकता डिटेल में, लेकिन उसके बारे में स्टडी आप थोड़ा सा नेट में जाके भी चेक कर सकते हैं आरपीजियो के बारे में। तो आरपीजियो प्रैक्टिस, स्केल प्रैक्टिस, स्केल के ऊपर राइट हैंड प्रैक्टिस, ये तीन चार चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे मेन काम है और ये डेली करना है। और बाकी रह गया हिंदी फिल्म सॉन्ग बजाना या वेस्टर्न म्यूजिक बजाना, वो तो आप जितना आप सुनोगे, जितना प्रैक्टिस करना है वो करते करते सब इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज मैं तो इतना बोल सकता हूँ, जिसको जो भी सवाल है, जो भी करना है, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, एनी टाइम यू कैन आस्क मी, तो आई एम ऑलवेज, नॉट ओनली मी, सब लोग हैं यहाँ सीनियर म्यूजिशियन, काफी लोग हैं जो लोग अच्छा बजा रहे, सबके साथ, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर आवर मैंडोलिन वी आर डूइंग। मैंडोलिन को और भी ज्यादा पब्लिसिटी करना है, और भी ज्यादा आगे लेके जाना है, इसलिए ये सब करना है हमको, मैंडोलिन फेस्टिवल और वर्कशॉप जो भी, वट एवर हम लोग जो भी शेयर किया है। हाँ, फोर्थ फिंगर, काफी लोग फोर्थ फिंगर के बारे में सवाल पूछते हैं, राइट, वेरी गुड। फोर्थ फिंगर का एक एक्सरसाइज वही है, फोर्थ फिंगर को पहले तो सारे गमा पा देने से अगर हो सके तो ओपन स्ट्रिंग माइनर, ओपन स्ट्रिंग को नहीं बजा के यू कैन प्रैक्टिस इट। फॉर एग्जाम्पल डी मेजर स्केल, सबको डी मेजर स्केल मालूम है, सारे गमा पा दा नी सा, नाउ पा वी आर टेकिंग सेकंड स्ट्रिंग ओपन, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन टेक द पा एंड थर्ड स्ट्रिंग सेवंथ फ्रेट, टेक दिस पा, ये फोर्थ फिंगर के लिए ये प्रैक्टिस है मेन। तो
या तो सा भी हम लोग ओपन स्ट्रिंग वी कैन प्ले द सेवेंथ फ्रेट ऑफ फोर्थ स्ट्रिंग सो तो ये पिंकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत वीक फिंगर है इसको प्रैक्टिस करते करते ही आएगा तो ये फोर्थ फिंगर का प्रैक्टिस ये फोर्थ फिंगर के लिए दो तीन प्रैक्टिस मेन है एक तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस डेली करना सिंगल इसका डबल ओके ये फोर्थ फिंगर का प्रैक्टिस हो गया और एक चीज प्रैक्टिस करना जो स्ट्रिंग्स का प्रैक्टिस मेन स्ट्रिंग को कैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्जांपल जी मेजर कॉर्ड जिसको जिसको जी मेजर का कॉर्ड मालूम है टू फिंगर कॉर्ड ये बजाइए फिंगर कॉर्ड्स क्या है थर्ड स्ट्रिंग जिसका ई ट्यूनिंग है और जिनका डी ट्यूनिंग है उनके मैं उनके लिए बाद में बताता हूं जी ट्यूनिंग इनका है थर्ड फ्रेट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग विद सेकंड फिंगर एंड सेकंड फ्रेट ऑफ सेकंड स्ट्रिंग विद फर्स्ट फिंगर एंड थर्ड एंड फोर्थ फिंगर थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रिंग ओपन ये चारों एक साथ में बजेंगे तो जी मेजर कॉर्ड हो गया एंड जिनका डी ट्यूनिंग है फर्स्ट स्ट्रिंग का उनको थर्ड फिंगर से फिफ्थ फ्रेट बजाना है बाकी सेकंड फिंगर करेक्ट है तो उनका हो जाएगा मेरे मैं यहां बजाऊंगा तो जी नाइन्थ हो जाएगा लेकिन उनके लिए जी मेजर ही आ जाएगा जिनका डी ट्यूनिंग है तो अभी इसमें क्या करना है देखो तीन स्ट्रिंग का ही प्रैक्टिस करना डी स्ट्रिंग ऐसे जी मेजर कॉर्ड बजाना है लेकिन थ्री स्ट्रिंग में कैसे डी बी जी ओके नाउ डी में डाउन स्ट्रोक बी में अप स्ट्रोक जी में डाउन स्ट्रोक कैसा No, down up down, down up down up, down up down up down. एक up एक down ऐसा हफ़ज़त नहीं करना. एक down then next should be up, again down next should be up. तो मैं तीनों string में क्या बज रहा हूँ? Down up down up, down up down up. थर्ड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड डबल किया ये डबल भी प्रैक्टिस करना ये तीन ये अगर हो सके तो चार स्ट्रिंग में अगर करना है तो कर सकते हैं अपन तो ये स्ट्रिंग का प्रैक्टिस ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रैक्टिस है एक दिन में नहीं होता है वो भी प्रैक्टिस बहुत करना पड़ता है तो ये बेसिक थिंग है ये मेन प्रैक्टिस है स्केल प्रैक्टिस के बारे में लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बहुत काफी प्रैक्टिस किया है स्केल के बारे में सो स्केल के बारे में ज्यादा मैं कहना नहीं चाहता हूं नाउ स्केल का एक चीज मैं मेरा एक छोटा एक यहाँ पे हरी बैठा हुआ है मैं उसको जब थोड़ा समझा रहा था स्केल के बारे में उसने एक बहुत अच्छी चीज मुझे दिया है ये मैं व्हाट्सएप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो लोग हैं मैं उसको शेयर करूंगा पहले माइनर स्केल क्या है माइनर जो ये नेचुरल माइनर भी आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो भी ठीक है एंड मेजर स्केल तो है सारे गमा पा धा सा नि दफा मा गा सा एंड नेचुरल माइनर जो है उसमें गा कोमल हो जाता है धा कोमल हो जाता है नी कोमल हो जाता है बाकी ऑल आर सेम ओके तो अभी मैं जी में बजा रहा हूं समझो जी मेजर स्केल ओके नाउ जी माइनर स्केल ओके नाउ सेम थिंग ए फ्लैट मेजर हो गया ए माइनर बी फ्लैट माइनर बी
B minor. C. C minor. C sharp. C sharp minor. D. D minor. E flat. E flat minor. E. E minor. F. F minor. F sharp. F sharp minor. G. ये डेली प्रैक्टिस करो, ये डेली। इसका प्रिंट जो है इसमें उसने अच्छा किया है मेरे, अच्छा कलरिंग वलरिंग करके उसका और उसके भाई मिलके जो किया है। ये सब माइनर स्केल का है, जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वो सा है, समझो। ये जी, जी स्केल उसने मेजर का किया है। जी यहां से फोर स्ट्रिंग ओपन, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, सब बॉक्स बना के किया है। एग्जैक्टली जी का माइनर स्केल किया है, जी शार्प का मेजर किया है, जी शार्प का माइनर किया है, ए का मेजर किया है माइनर, बी ए शार्प या बी फ्लैट का मेजर किया है माइनर, ऐसा करके 12 के 12 स्केल का मेजर और माइनर का बहुत अच्छी तरह से डिजाइन करके दिया है। थैंक यू हरी, बहुत अच्छा काम किया तुमने, वेरी गुड। तो ये मैं क्या करता हूं, आई थिंक वी ऑल आर इन द सेम ग्रुप ना, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल आर देयर ना, वारना ग्रुप तुम लोग भी अपने ग्रुप में, नहीं तो फिर उनको तो मिल ही जाएगा, राइट। तो ये मैं इसको प्रिंट करके अपने ग्रुप में डाल दूंगा, तो सब लोग इसका प्रिंट आउट अगर हो सके तो ले लेना, या तो यहां से भी जेरोक्स करके ले सकता हूं, यहां तो नजदीक कहां जेरोक्स है मालूम नहीं, बट ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा डेली स्केल प्रैक्टिस के लिए। इतना जो मैंने अभी आज स्केल बजाया ना, इतना स्केल आप तैयार कर लो, खाली स्केल ऑल डाउन अप स्ट्रोक में, काफी फर्क पड़ेगा, काफी लगेगा मोनोटोनस लगेगा, उन्हें क्या यार दिन भर खाली सारे गेम मुझे अच्छा नहीं लगता, बट अल्टीमेटली इट विल हेल्प, अल्टीमेटली इट विल हेल्प। सो आज हमारे काफी आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग सब लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा मैंडलिन प्लेयर बनिए, मैंडलिन को बहुत आगे लेके जाइए, दिस इज आवर मेन मोटो। सो वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच। ट्रेमेलो का, हाँ ट्रेमेलो का ठीक है, ट्रेमेलो का लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इस बार भी आज भी बता रहा हूँ, ट्रेमेलो का प्रैक्टिस क्या, डाउन अप, मेन डाउन अप स्ट्रोक है, ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है, पहले वन वन टू डाउन अप डाउन अप डाउन अप, अब इसका डबल वही टेम्पो में, फिर डबल उसका डबल, थ्री फोर सिंगल, ये प्रैक्टिस है, पहले एक ही टेम्पो में, पहले सिंगल उसका डबल उसका डबल उसका डबल, वन सेकेंड आई विल प्ले, देखो वन टू, नाउ सब लोग मेरे साथ बजाना, वन टू थ्री फोर, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, चेंज इसका डबल, थ्री फोर चेंज, अभी और चेंज, अभी सिंगल, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू टेन फोर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेली प्रैक्टिस की चीज है ये, आप कहीं भी करो, फोर्थ स्ट्रिंग में करो, थर्ड में करो, रे में करो, गा में करो, कौन सा भी नोट पे करो, बट ट्रेमोलो, दिस इज ओनली फॉर राइट हैंड प्रैक्टिस, जहां पे राइट हैंड प्रैक्टिस करना है राइट हैंड प्रैक्टिस, जहां पे लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस करना है वहां लेफ्ट हैंड प्रैक्टिस।
ग्रेसेस जो है ना, ठीक है, ग्रेसेस मैंने लास्ट टाइम भी वो हैमर ऑन हैमर उसके बारे में कहा था, लेकिन इतना डिटेल अभी कर नहीं जा सकते, तो हम लोग खाली ग्रेस के बारे में बता रहे हैं। एक जो प्रैक्टिस मैंने बताया था, डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन, वो उसमें ग्रेस कैसे देगा, इसको स्लो प्रैक्टिस करता हूं, डाउन अप डाउन सारे सा, सिंपल सारे सा बजाओ सब लोग, सारे सा डाउन अप डाउन, ओके, तो उसको इसको टाटा डन सारे सा एक ही बीट पे, सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा, ये चीज प्रैक्टिस करो, सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा नी सा नी नी सा नी टाटा डम जो ग्रेस है ये डाउन अप डाउन डाउन अप, धनिदा पदा पाम अपमा गमगा, तो एक एक ही डाउन अप स्ट्रोक में इसको इस चीज वही है, सारे सा फास्ट करना है, सारे सा सारे सा नी सा नी नी सा नी धनिदा धनिदा पदा पा। नाउ द थिंग इज, देखो अभी मैं ये तीनों स्ट्रिंग फिंगर स्ट्रांग है, इसलिए मैं ये तीनों में ये हो गया, फिर यहां पे आने के बाद जो स्ट्रिंग चेंज ये नहीं कर सकते, ये करना भी नहीं चाहिए, अटक जाएगा, इसलिए उसको उस टाइम पिंकी का यूज करना, फोर्थ फिंगर को, डिफिकल्ट है ये, लेकिन इसके प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब जाके ये बजेगा, क्योंकि फोर्थ फिंगर को पहले इजी करना है, अगर इफ योर फोर्थ फिंगर इज नॉट इजी देन यू वोंट बी एबल टू प्ले दिस थिंग, इसलिए उसको पहले फोर्थ फिंगर को क्लियर करना है, तो बट क्लियर साउंड शुड बी, साउंड शुड बी क्लियर, ये नोट क्लियर हो जाए, ये प्रैक्टिस की जरूरत इसलिए है कि कभी कभी लगता नहीं हो रहा है जाना, तो इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मोस्टली एक आम पब्लिक का कहता है नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं जाना दो, ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आगे चलते, थ्री नोट, ये दो नोट हो गए, अच्छा थ्री नोट, थ्री नोट ग्रेस जो है ना वो उल्टा ग्रेस है, वो क्या है, रेसा नीसा, सब लोग बजाना रेसा नीसा, जी स्केल में रेसा नीसा, फर्स्ट स्ट्रिंग में बजाओ सब लोग, रेसा नीसा डाउन अप डाउन अप, करेक्ट, ये प्रैक्टिस करो, इसको ग्रेस में कैसे आता है देखो, अभी ये चीज मैं ग्रेस फॉर्म में कैसे लाता हूं, वही चीज है, डन 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 डन, इसको ग्रेस वही चीज, प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, इसको अभी फोर्थ फिंगर के साथ ओके okay. नहीं वो गाने में क्या है, गाने में ये जैसे कोई भी गाना इस टाइप का ग्रेस गाने में काफी आता है, इसमें भी है, जाने का बात जाने
कुछ नहीं, ये एक्चुअली ये प्रैक्टिस क्या है, आपके हाथ के ग्रिप में आना चाहिए। कोशिश करना जो चीज नहीं हो रहा है उसको करना, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, तो ही आगे जा सकते हैं। जो चीज नहीं हो रहा है वो क्यों नहीं हो रहा है उसके बारे में क्यों, उसके बारे में पता करना बहुत जरूरी है और उसको करके छोड़ना चाहिए। मेरा जिद था, जब मेरा फोर्थ फिंगर नहीं हो रहा था ना, मैं जिद पकड़ लेता फोर्थ फिंगर को ग्रिप में लाना ही है। टाइम लगा मुझे, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, मैंने छोड़ा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस इज मेन थिंग। प्लीज देखिए, मीड में क्या है, मीड के बारे में मैं एक बात बता रहा हूं। काफी लोग बहुत अच्छा, मतलब इसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैंडोलिन को लेके। कल स्नेहाशीष भी अच्छा परफॉर्म करके गया मीड गमक के साथ। लेकिन मीड गमक करना है तो आपने देखा होगा उसका मैंडोलिन जो था, हमारे जैसे ऐसा छोटा मैंडोलिन नहीं था, दैट वाज मैंडोला। क्योंकि मैंडोलिन का जो ट्यूनिंग होता है ना, इतना हार्ड ट्यूनिंग हो जाता है ना, तो उसमें मीड करना एक उसका एक लिमिटेशन रहता है। हम लोग कभी कभी कहीं कहीं करते हैं, तो मीड करने का जो मेन चीज मीड का है, तो जैसे हाँ इलेक्ट्रिक मैंडोलिन जो प्रसन्न जी बजाते हैं, या यहाँ कल अरविंद जी बजा के गए, या साउथ में काफी लोग बजाते हैं सिंगर्स, तो वो क्यों इलेक्ट्रिक किया, यूस श्रीनिवास जी ने जो उसको उन्होंने जो मॉडिफाई किया, वाई, उसका रीजन एक ही है कि अकोस्टिक मैंडोलिन में मीड का एक लिमिटेशन है, तो उसको रास्ता तो निकालना पड़ेगा। कर्नाटक म्यूजिक में गमड मींद, और नॉर्थ इंडिया म्यूजिक में भी, क्लासिकल म्यूजिक सॉरी, उसमें भी गमड मींद का बहुत जरूरी है। लेकिन इसलिए वो एक मॉडिफाई करके, इलेक्ट्रीफाई करके उन्होंने मैंडोलिन को इस तरह से बनाया। ये मैंडोलिन में हम लोग जो मैंडोलिन जो ऑथेंटिक जो एक्चुअल मैंडोलिन है, इसमें एक लिमिटेशन है। उसमें किसी मैंडोलिन का सस्टेन थोड़ा ज्यादा है तो वो मीड ज्यादा बजा सकते, किसी में कम है तो कम बजा सकते। लेकिन मीड का जो प्रैक्टिस है ना, उसके लिए भी बहुत सारे चीज देखना पड़ता है। समझो धासा, इससे ज्यादा आप करने के लिए जगह, तो इसमें क्या हो जाता है, वो जो सितार है, जो सितार में खींचने का जो टेक्निक है वो अपने मैंडोलिन में नहीं है। सरोद में फ्रेट्स नहीं रहता, सरोद में वी कैन प्ले जो मीड गमक का जो है, तो इसमें मैंडोलिन में करना डिफिकल्ट है। कोई अगर कोशिश करके, उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट साथ देना चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा ट्यूनिंग, मेन ट्यूनिंग। क्योंकि आप जीडीए ट्यूनिंग करके क्लासिकल राग बजा नहीं सकते, उसमें डिफिकल्ट है, दैट इज डिफिकल्ट, बिकॉज एक सस्टेन नोट चाहिए जो सिंपैथेटिक। एक तो हमारे पास वो है ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि सिंपैथेटिक स्ट्रिंग जो है वो मैंडोलिन में है नहीं। फिर वो सवाल आ जाता है तो मॉडिफिकेशन की बात आ जाती है। आप अगर बोलोगे कि नहीं मुझे क्लासिकल बजाना है, इसको बड़ा करो, फ्रेट को, स्केल लेंथ को बड़ा करना पड़ेगा, हो गया मैंडोला। अब थोड़ा सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स का भी करना पड़ेगा, यहां से चिकारी वगैरह तरफ बड़प करना, वो एक अलग ही हो जाता है। तो मेरे हिसाब से एक तो पहली बात, मैंडोलिन उसके लिए बनाया नहीं गया। फ्रेंकली स्पीकिंग, इटली में वेस्टर्न क्लासिकल के लिए बनाया गया। आप जितना वेस्टर्न क्लासिकल आप देखेंगे, या जितना हॉलीवुड मूवीज के बैकग्राउंड जो आप कल हम लोग सुन रहे थे, ये सब नंबर पे कहां मीड आप, अगर ये चीज में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कंपोजिशन उसके लिए है ही नहीं। तो जो कंपोज करते हैं, विवल्डी इतने बड़े कंपोजर थे, उन्होंने जो मैंडोलिन कॉन्सर्टो लिखा है ऐसे नहीं लिखा है। उनको इसलिए लिखना पड़ा कि वो मैंडोलिन को ही, मैंने खुद ही वॉज ए मैंडोलिन प्लेयर, वो मैंडोलिन बजाते थे, तो उनको मालूम है मैंडोलिन का, मालूम था कि मैंडोलिन का क्या लिमिटेशन है, क्या उसमें बजा सकते। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, हमारे जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, नॉर्थ इंडियन या कर्नाटक म्यूजिक, दोनों अपनी जगह पे बहुत रिच है, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं। अगर किसी को क्लासिकल सीखना ही है, अगर कर्नाटक म्यूजिक ही सीखना है या
क्या बोलते हैं नॉर्थ इंडियन म्यूजिक सीखना है तो उनको उस हिसाब से सीखना चाहिए, अलग से उसका ट्रेनिंग होता है उनके, उसके लिए उनके गुरु के पास जाना है। लेकिन बेसिक जो आज वर्कशॉप का जो मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट मतलब जो जो हमारा प्लान है दैट इज यू हैव टू लर्न द एक्चुअल टेक्निक ऑफ मैंडलिन, हाउ टू प्ले, हाउ टू हाउ द योर राइट हैंड टेक्निक, व्हाट इज योर लेफ्ट हैंड टेक्निक, ये सब मैं जितना हो सके शॉर्ट टाइम के अंदर मैंने क्लियर किया मुझे लगता है। तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए, मेन थिंग होल्डिंग ऑफ प्लेक्ट्रम एंड ट्यूनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिंकी फोर्थ फिंगर का प्रैक्टिस, ग्रेस का, जितना मैंने ग्रेस का प्रैक्टिस बोला उतना प्रैक्टिस करो, स्केल प्रैक्टिस, ट्रेमोलो प्रैक्टिस, ये सब मेन मैंडलिन के है, ये सब प्रैक्टिस करना, ये सब प्रैक्टिस मतलब ऐसा होना चाहिए कि हर चीज क्लीन होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि ग्रेस में मेरा ये दोनों फिंगर में ग्रेस करेक्ट आ रहा है और इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, तो वो भी ये भी क्लियर होना चाहिए। तो ये अटक रहे, क्यों अटक रहे उसको सॉल्व करो, अटक रहे हाँ अच्छी बात है, अटकने चाहिए, मिस्टेक तो होगा ही लेकिन उसको सॉल्व करने इट इज योर ड्यूटी। अब उसके लिए एक घंटा रियाज करना है कि उसके लिए 10 घंटा प्रैक्टिस करना है, दैट इज अप टू यू, हो नहीं रहा है होना पड़ेगा, क्यों नहीं हो रहा है, रात भर प्रैक्टिस करेंगे यार, मैं पूरा सुबह 10 बजे से शाम को 9 बजे, मैं रात को घर में 9 बजे आता हूं, चलेगा, खाना खाने के बाद सोने दो, बीवी बच्चे सब सो गए, चलो बैठो रात को 2 बजे तक, क्यों नहीं हो रहा है, ये जुनून होना चाहिए, दैट इज अप टू यू, कैसे करना है आपको करना है, ये तो टेक्निक मैं बता रहा हूं ना, सेम चीज है, देखिए सिंपल गा बा गा या रे गा रे या सारे सा जो भी है सा, अभी ए को सा करके मैं बजा रहा हूं, सारे सा यही है, सा को आप होल्ड करके रखो, रे आप बजाओ उठा लो, सा को नहीं उठाना, साइट रीडिंग व्हाट इज साइट रीडिंग, नोटेशन देखिए बजाना। कल आप लोगों ने जो लोग प्रोग्राम में थे मुझे एक चीज फॉलो किए होंगे, कल जितना गाना मैंने हिंदी गाना बजाया एक भी गाने के लिए मेरे सामने कोई पेपर नहीं था। जब कन्नाडा गाना था मैंने राइट साइड में ऐसे एक पेपर रखा था, वो पेपर देख के बजाया, क्यों, पहली बात कि वो गाना मेरा मैं पहली बार सुना, मैं जब ये प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन करना था तो एक दिन सुन के ये गाना बजाना डिफिकल्ट था, मैंने गाना तो सुन लिया था उसका फील तो ले लिया था लेकिन उसका मैं क्या करूं याद नहीं रहेगा, इतना गाना करना है रोज, इतना काम रह रहा है तो उसमें याद कैसे करूं। तो मैं आके जब रिहर्सल किया एक दिन पहले, उसके पहले एक बार गाना सुना था, रिहर्सल में बैठ के म्यूजिशियन लोगों ने बहुत हेल्प किया मुझे, उन्होंने मैं बोला थोड़ा सा आप आइडिया दो, तो मैंने वहां तुरंत बैठ के नोटेशन लिख लिया था। नोटेशन लिखना और नोटेशन देख के बजाना ये भी एक प्रैक्टिस है, उसके लिए पहली बात तो यू हैव टू लर्न द स्केल प्रॉपरली, आपका फोनेटिक एक्सपीरियंस जो है ना गाना सुनने का, सुन के याद करना कि गाने में ये सा कौन सा है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। समझो एक गाना है, ये गाना मैं बजा रहा हूं, समझो सिंपल सॉन्ग मैंडलिन के गा, ये गाने में सा ढूंढना है, मेरा जूता है जापान सबको तो मालूम है, अभी इसको सा में गाना, पा दा सा 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 नी सा सा पा दा सा नी सा सा पा पा मा गा रे हो रे रे मा मा रे मा गा सा गा सा रे नी सा सा, अभी ये सा कहां है ढूंढना है, सा अगर ये सा मिल जाता है, मेरा जूता है जापान सा वो पता करना, सा अगर वो सा पता चल गया, अब नाउ ये थोड़ा एडवांस्ड स्टूडेंट के लिए है जिनको नोटेशन लिखना है, नोटेशन सीखना है, अब सा मिलने के बाद कोशिश करना डिफिकल्ट है विदाउट इंस्ट्रूमेंट उसको लिखना, पाधा सा 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 नी सा सा लिखो, पाधा सा 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 नी सा सा उसको बार फॉर्मेट लिखना है, फिर पाधा सा 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 नी सा सा पापा मा गरे सारे रे पापा मा गरे सारे रे,
अब वो लिखने के बाद सामने पेपर रखो, अभी बजाओ उसको देखिए, दिस इज द वे। उसके लिए टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। मतलब नहीं, व्हाई यू मिस, व्हाई यू विल मिस, यू शुड नॉट मिस दिस। इफ इफ द नोटेशन इज देयर, यू हैव टू प्ले द होल थिंग। चार लाइन लिखा है कि पांच लाइन लिखा, दैट इज नॉट द क्वेश्चन। इफ यू हैव ए स्कोर, यू हैव टू प्ले ऑल होल थिंग। It, if you miss one note, that means you don't know exactly the way. That you have to learn. Okay? You have to practice. You have to practice. So that is the way I'm telling you. Whatever you are playing, any music, maybe any Western number or any Indian number or any Hindi song, you write down the score first. Then keep it in a notation stand and then play. Then you see, watch it on the paper and then play. That will be help you. And second thing, you play the same song in different scale. For an example, ee gana ye mera joota hai apna G major. Now play this thing. Half note high. Now play the same. Now this is G, G sharp, A. मतलब half of note किया. Now I will play this thing in F sharp minor scale, different scale. Yeah, no F sharp तो उसके रास्ते में. Now I will play this thing in B flat minor scale, different scale हो जाता है. B flat minor. Okay. Now I will play C. है नहीं वो scale में तो गाना है नहीं. कितना कहाँ G और कहाँ C? But I have to play this thing. Now we can play this thing in high octave C. So that you have to be clear. C, B, J. Basically, first thing is scale practice. And then the same thing you have to practice in other skill. ये थोड़ा high, मतलब जैसे intermediate student के लिए है, it is थोड़ा advanced training का है, तो उसके लिए practice. That's all. You have to play all in any skill, any position. Same thing. ये गाना मैं अभी G major high में बजाऊंगा. Now pinky, only pinky. Any skill. Mandolin को पूरा पानी की तरह घुल के खाना पड़ेगा, then only you can play. उसके लिए practice. मेरा तो अभी practice नहीं होता है, जो मैंने in the beginning जब during my learning जो भी practice करता था 7-8 hours दिन में, वही आज चल रहा है. कहाँ practice, तो काम में ही busy रहता हूँ, वो काम के time ही जो practice हो जाता है. That's all. Yes, please, madam. See, I'll prefer you should tune it in standard tuning G D A and then play in C sharp scale. It is difficult. You have to practice the C sharp scale first. Some jo in D major scale, for another D may koi bhi gana. Jyoti Colors chal gaya, is C sharp mein. Play this thing in F sharp. ऐसे ये वही बता रहा था, इसलिए ट्यूनिंग एक ही होना चाहिए G D A E. Now play in different scale. That is very important. So thank you very much once again. We'll go ahead as soon as possible. Everybody has to perform. So thanks once again. Thank you. Thank you so much, sir.
Thank you.